हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु फॉर फैक्ट्री या इंडस्ट्री। अगर हम किसी भी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में वास्तु के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उस फैक्ट्री इंडस्ट्री में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स आती हैं, फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेबर प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्शन के साथ प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट की ठीक नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉब्लम आती है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, इन सब तरीके की प्रॉब्लम्स को, या मनी की प्रॉब्लम आती है, इन सभी तरीके की प्रॉब्लम्स को हम वास्तु के यूज़ करने से कम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे फैक्ट्री में वास्तु अप्लाई होता है। सबसे पहले हम एक सिनेरियो लेंगे कि अगर आप नई फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, एक नया प्लॉट लेके, खाली प्लॉट लेके अगर आप नई फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप 2-3 प्लॉट देख लीजिए, किसी भी अच्छे साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट को बुला के उन प्लॉट्स की एनर्जी स्कैन करवाइए कि उन प्लॉट्स में एनर्जी है कैसी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी प्लॉट में ईवी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से आगे अगर हम वहाँ फैक्ट्री सेटल करते हैं, आप किसी भी प्लॉट में जिसमें कि ईवी कम है उसमें फैक्ट्री सेटल करेंगे तो वो उसमें आपको बिजनेस के प्रोग्रेस में दिक्कत आएगी। वास्तु अगर आप 100% करके चलेंगे, बेसिक वास्तु आप उसमें 100% कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम आती हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वास्तु कंसल्टेंट हायर करना है जब आप प्लॉट देख रहे हैं तब से, जो कि सबसे पहले आके आपके प्लॉट का ईवी चेक करेगा, उसके बाद बेसिक वास्तु के हिसाब से, वैदिक वास्तु के हिसाब से वो ड्राइंग्स बनवाएगा आपके, कि कौन सी मशीनरी कहाँ होनी चाहिए, एडमिन का पूरा सेटअप कहाँ होगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ होंगे, कैसे कैसे लोग बैठेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट कौन से कॉर्नर में बैठेगा, कौन सी लाइट्स कैसे लगेंगी, इंटीरियर कैसा होगा, A to Z वो वास्तु कंसल्टेंट आपको गाइड करेगा। अब हम सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि आप नई फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं एक बने बनाए प्रमाइस में, कि आपको बना हुआ प्रमाइस मिल रहा है, आप खरीद रहे हैं या आप रेंट पे ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको सबसे पहले यही कराना है कि आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को, जो कि साइंटिफिक वास्तु करता हो, एनर्जी स्कैन करना जानता हो, उसको आपको बुलाना है और 3-4 प्लॉट्स दिखा के उसमें एनर्जी स्कैन करवाना है। सबसे बेसिक एनर्जी और सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी होती है ईवी, जो कि आपको चेक करानी है उस प्लॉट में। जिस भी प्लॉट की एनर्जी ईवी अच्छा है उस प्लॉट को आप फाइनल करेंगे, बेशक वो वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग 50% ही स्कोर कर रहा हो, उसके बाद भी आप प्लॉट वही यूज़ करेंगे जिसमें ईवी आपका अच्छा आ रहा है। सिनेरियो हम लेंगे कि आपकी फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है जिसमें कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है मशीनरी में प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा, बार बार ब्रेक डाउन होता है, बार बार रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ती है, या मनी की प्रॉब्लम आती है, शॉर्टेज ऑफ फंड रहता है, लिक्विड कैश नहीं होता है, या लेबर की प्रॉब्लम आती है, या मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम आती है, डिफरेंट छोटी छोटी समस्याएं चलती रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये क्यों चलती हैं? ये सब एक वास्तु का दोष हो सकता है जो कि आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो आप किसी भी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को हायर कीजिए, एनर्जी स्कैन करवाइए, बेसिक वास्तु चेक कराइए उससे, क्योंकि जो फैक्ट्री आप रन कर रहे हैं उसमें हो सकता है वैदिक वास्तु से ही प्रॉब्लम्स आ रही हों। 4th सिनेरियो, अगर आप अपनी फैक्ट्री रेनोवेट कर रहे हैं, अब तक वास्तु किया था या नहीं किया था उसको छोड़ दीजिए, अब वास्तु से आप रेनोवेट कीजिए, और जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा आप उस फैक्ट्री से ले सकें। दोस्तों, वास्तु में सबसे पहले बेसिक वास्तु इम्पॉर्टेंट होता है, जो वैदिक वास्तु जो कि पुराना चला आ रहा है, बट आज वास्तु में बहुत सारी नई नई डेवलपमेंट हो गई हैं, नई नई रिसर्च हो गई हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसे ही अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को आप चूज़ कीजिए जो कि साइंटिफिक वास्तु करता हो, जो कि एनर्जी स्कैन करता हो। 5000 ईयर्स पहले जब वास्तु बना तब उस टाइम एनर्जीज ख़राब नहीं थी, इतनी एनवायरमेंटल रेडिएशन नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती थी, रेडियो फ्रीक्वेंसीज नहीं होती थी इतनी तरीके की। आज इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज बढ़ चुकी हैं,
रेडिएशंस इतना बढ़ चुकी हैं, इसलिए जब भी आप कोई प्रोमाइस लेते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, क्योंकि घर में फिर भी एक बार इंसान थोड़ा सा नेगेटिव या न्यूट्रल में रह सकता है, बट फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री या शॉप आप लेते हैं, बिजनेस कोई भी करते हैं, बिजनेस प्रोमाइस नेगेटिव लेने का मतलब होता है अपना नुकसान करना। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अच्छे से अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को हायर करें जो कि एनर्जी स्कैन करता हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको आगे आगे हम बताएंगे कि फैक्ट्री में इंटीरियर कैसे होना चाहिए। हम डिटेल में बात करेंगे फैक्ट्रीज़ के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, घरों के बारे में कि घर में वास्तु कैसे करा जाए। थैंक यू।